वेलकम बैक। हियर इज द थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी विटिंगटन एंड हिज कैट। दिस पार्ट हैज़ द टाइटल द वेंचर। वेंचर का मतलब कोई डिफिकल्ट एंडेवर या बिजनेस कोशिश। सम टाइम आफ्टर दैट, उसके कुछ समय बाद, अ शिप दैट बिलोंग्ड टू मिस्टर फिट्स वॉरन वॉज अबाउट टू स्टार्ट। मिस्टर फिट्स वॉरन का एक शिप चलने के लिए तैयार था। वॉज अबाउट टू स्टार्ट ऑन ए वॉयज, समुद्री यात्रा पर, अक्रॉस द सी, समुद्र के पार। इट वॉज लोडेड विद गुड्स, ये माल से लदा हुआ था। विच वर टू बी सोल्ड इन लैंड्स फार अवे, जो दूर के देशों में, जगह पर, देशों में बेचने के लिए जा रहा था माल। मिस्टर फिट्स वॉरन वॉन्टेड टू गिव हिज सर्वेंट्स अ चांस फॉर गुड फॉर्चून। जो ये मिस्टर फिट्स वॉरन थे, ये अपने नौकरों को भी चांस, मौका देना चाहते थे अच्छी किस्मत आजमाने का, टू इनको भी। एंड सो ही कॉल्ड ऑल ऑफ देम, उसने सब नौकरों को बुलाया इनटू द पार्लर, ड्राइंग रूम में, एंड आस्क्ड, और पूछा, इफ़ दे हैड एनीथिंग दे वुड लाइक टू सेंड आउट इन द शिप फॉर ट्रेड, कि उनके पास कोई चीज़ है जो बिजनेस के लिए शिप में भेजना चाहेंगे। एवरी वन हैड समथिंग टू सेंड, हर एक के पास कुछ ना कुछ था भेजने के लिए। एवरी वन बट डिक, सिवाय डिक के। एंड एज ही हैड नाइदर मनी नॉर गुड्स, ना उसके पास पैसा था ना ही कोई माल था, चीज़ें थी। ही स्टेड, ये वही है स्टे का, स्टेड, आजकल हम वाई ई डी लगाते हैं, ये आई कर दिया वाई की जगह। इन द किचन, वो किचन में ही रुका रहा। एंड डिड नॉट कम इन विद द रेस्ट, और दूसरे बंदों के साथ कमरे में नहीं गया, बाकी सबके साथ, नौकरों के साथ, मालिक के पास। लिटिल एलिस गेस्ट, छोटी लड़की जो थी एलिस, उसने अंदाज़ा लगाया वाई ही डिड नॉट कम, कि वो क्यों नहीं आया था। एंड सो शी सेड टू हर पापा, तो उसने अपने पिताजी को कहा, पुअर डिक ऑट टू हैव सम, ऑट टू हैव ए चांस टू, बेचारे डिक को भी एक मौका मिलना चाहिए। हियर इज़ सम मनी आउट ऑफ माई ओन पर्स, ये मेरे पर्स में से कुछ पैसे ले लीजिए, ये रहे, दैट यू मे पुट इन फॉर हिम, जो तुम उसके लिए बिजनेस में डाल सकते हो उसकी तरफ से। ये पिक्चर है, नेक्स्ट पेज, लेट्स कंटिन्यू। नो नो माई चाइल्ड, नहीं मेरे बच्चे, सेड मिस्टर फिट्स वॉरन, उसके पिता ने कहा, ही मस्ट रिस्क समथिंग ऑफ हिज ओन, उसे अपना कोई चीज़ रिस्क दांव पर लगानी चाहिए। एंड देन ही कॉल्ड वेरी लाउड, बहुत जोर से उसने आवाज़ लगाई, हियर डिक, डिक यहाँ आओ, What are you going to send out on the ship? तुम क्या भेजना चाहोगे ship पर? Dick heard him. Dick ने उसकी आवाज़ सुनी and came into the room, और वहाँ पर आया कमरे में। I have nothing in the world. बिल्कुल भी कुछ नहीं है मेरे पास, इसका मतलब ये हिंदी में बनेगा, दुनिया में कुछ भी नहीं है, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है। He said, but a cat, सिवाय एक बिल्ली के, which I bought some time ago for a penny, जो कुछ समय पहले मैंने एक पैनी की खरीदी थी। Fetch your cat, fetch होता है जाके लेके आना, जाओ और लेके आओ अपनी बिल्ली को। Then my lad, मेरे बच्चे, said Mr. Fitzwarren, and let her go out, और उसे जाने दो बिजनेस के लिए शिप पर। Who knows but that she will bring you some profit, क्या पता वो तुम्हारे लिए कुछ लाभ ले आए, फ़ायदा, प्रॉफिट। यह पिक्चर। Dick with tears in his eyes, डिक की आंखों में आंसू थे। ही कैरिड पुअर पुस, पुस बिल्ली के लिए पुसी या पुस बोलते हैं, जैसे डॉग को डॉगी, बिल्ली का पुस और पुसी। ही कैरिड पुअर पुस डाउन टू द शिप, वो ऊपर से नीचे लेके आया और शिप में ले गया बिल्ली को। एंड गेव हर टू द कैप्टन, और शिप के कैप्टन को दे दी, पकड़ा दी। यह पिक्चर में भाई दिखाई दे रहा है, वो कैप्टन को, शिप के कैप्टन को बिल्ली सौंप रहा है। Everybody laughed at his queer venture. Queer होता है strange, अजीब, venture मतलब business, उसके इस अजीब से business पर सब हंस रहे थे। But little Alice, सिर्फ उसने Alice ने, she felt sorry for him, उसे उस पर दया आ रही थी। And gave him money to buy another cat, और उसे दूसरी बिल्ली खरीदने के लिए पैसे दे दिए। After that, the cook was worse than before, जो रसोई की औरत थी, रसोई में काम करने वाली, वो और ज़्यादा वर्स देन बिफोर, पहले से भी ज़्यादा बुरी हो गई, बैड से, बैड की सेकंड डिग्री वर्स। शी मेड फन ऑफ हिम, वो मजाक उड़ाती थी, फॉर सेंडिंग हिज कैट टू सी,
उसकी उसने बिल्ली भेजी थी समुद्र पर, इसलिए डू यू थिंक शी वुड से, वो ये कहा करती कि क्या तुम्हें लगता है दैट पुस विल सेल फॉर इनफ मनी टू बाय अ स्टिक टू बीट यू, कि वो एक छड़ी जितने पैसे कमा पाएगी कि जिससे छड़ी आज एक छड़ी खरीद सके तुम्हें पीटने के लिए। एट लास्ट डिक कुड नॉट स्टैंड हर अब्यूज एनी लॉन्गर, उससे वो सहन करना, सहन का अंत हो गया, उससे सहन करना मुश्किल हो गया उसके लिए, ये इसका मतलब है, स्टैंड होता है सहन करना। एंड ही मेड अप हिज माइंड टू गो बैक टू हिज ओल्ड होम, वापस अपने घर जाने का उसने मन बना लिया, इन द लिटल कंट्री टाउन, देहात के छोटे शहर में। सो वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, एक दिन जल्दी सुबह, ऑन ऑल हैलोज डे, ये उनका कोई त्यौहार है उस दिन, ही स्टार्टेड, चल पड़ा, ही वॉक्ड एज फार एज द प्लेस कॉल्ड हेलोवे, हेलोवे नाम की जगह तक वो चलता गया सुबह सुबह। एंड देयर ही सैट डाउन ऑन ए स्टोन, एक पत्थर पर बैठ गया, विच टू दिस डे इज़ कॉल्ड, वो पत्थर आज भी उस पत्थर का नाम ये पड़ा हुआ है, विटिंगटन्स स्टोन, आज भी वो पत्थर है वहाँ पर इंग्लैंड में। एज ही सैट देयर वेरी सैड, वो उदास बैठा हुआ था, उदास वहाँ पे, एंड वंडरिंग, सोच रहा था विच वे ही शुड गो, कि किस रास्ते जाना है उसे। ही हर्ड द बेल्स ऑन बाओ चर्च, उसके वहाँ से चर्च से आवाज़ें सुनी उसने घंटियों की, फार अवे, दूर, रिंगिंग आउट अ मैरी चाइम, चाइम होती है ट्यून, एक बड़ी सुंदर है हंसी खुशी वाली धुन बज रही थी घंटियों से। ही लिसन्ड, उसने सुना, दे सीम्ड टू से, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घंटियाँ उसको कह रही थी, टर्न अगेन विटिंगटन थ्राइस लॉर्ड मेयर ऑफ लंडन, वापस मुड़ो विटिंगटन, तीन बार लंदन के मेयर, ये घंटियों की आवाज़ उसको सुनाई दी, मेयर होता है शहर का प्रमुख। वेल वेल, अच्छा, ही सेड टू हिमसेल्फ, आई वुड पुट अप विद ऑलमोस्ट एनीथिंग, मैं कुछ भी सह लूँगा, पुट अप होता है सहना, टू बी लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, लंदन का मेयर बनने के लिए, व्हेन आई एम अ मैन, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, एंड टू राइड इन अ फाइन कोच, और बहुत अच्छी गाड़ी में यात्रा किया करूँगा, कोच घोड़ा गाड़ी को बोलते हैं। आई थिंक आई विल गो बैक एंड लेट द ओल्ड कुक कफ एंड स्कोल्ड, कफ एंड स्कोल्ड मतलब डांटना पीटना, दोनों मैं सह लूँगा उस रसोई वाली जो कुक थी, एज मच एज शी प्लीज, जितना उसका दिल करे मैं सहूँगा और वापस जाऊँगा। डिक डिड गो बैक, हाँ वो जरूर वापस गया, एंड ही वॉज़ लकी इनफ टू गेट इन टू द किचन, और किस्मत से किचन में के अंदर भी पहुँच सका वो। एंड सेट अबाउट हिज वर्क, अपने काम में लग गया, बिफोर द कुक केम डाउन स्टेयर्स टू गेट ब्रेकफास्ट, इससे पहले कि वो औरत कुक जो थी नीचे आए रसोई में अपना नाश्ता करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट, सी यू अगेन, कीप इंजॉइंग, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।